बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने आप सबसे एक हम्बली रिक्वेस्ट भी की है और आपको मैसेज भी दिया है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली के लोग हैं जो मुझे अच्छी बातें बताते हैं, नसीहत करते हैं, ताकि मेरी वजह से करके किसी के ऊपर प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त पाकिस्तान के अंदर हैं और मैं जब कोई वीलॉग बनाता हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर या किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शायद मेरी वजह से करके उनकी जिंदगियों के ऊपर या उनके ऊपर प्रॉब्लम ना आ सके। तो लिहाजा मैंने पहले भी आप सबसे कहा था कि मैंने तहिया किया कि ठीक है, आइंदा से मैं कभी भी किसी सियासत पे बात नहीं करूंगा और कभी भी किसी ऐसा टॉपिक नहीं छेड़ूंगा जिससे मेरी वजह से करके किसी को नुकसान पहुंचे या किसी की दिल आजारी हो। मैं सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तान के लोगों को मोहब्बत मिले, मेरे पाकिस्तान के लोगों को सुकून मिले, मेरे पाकिस्तान के लोग हमेशा हंसते बसते रहें, अपनी फैमिली में खुश रहें। जब मैं पाकिस्तान के लोगों को मुसीबत में देखता हूँ, रोटी के लिए तरस रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। आज मैंने एक ट्वीट देखा जिसमें एक बाप ने अपने 3 बच्चे खुद ही मार दिए और खुद भी अपने आप को खुदकुशी कर ली, सिर्फ इस वजह से कि उस बेचारे के पास ना आटा था ना खाने को कोई चीज़ थी। ये इंसानियत की तोहीन है, ये इंसानियत की इतनी तोहीन है जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। ये तो वो लोग जिनकी कोई भी जान पहचान थी, किसी ने उनकी पिक्चर्स ले ली, खबर ले ली और शेयर कर दी। इस तरह के पता नहीं कितने लोग होंगे जो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारे यहाँ हकीकत बात यह है कि अनाज की कमी नहीं है, हमारे यहाँ किसी फसल की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो हमारी नीतों के ऊपर। अगर हम आज भी अपनी नीतें ठीक कर लें, आज भी हम उस खुदा जिसने हमें सबको पैदा किया, अगर हम उससे मोहब्बत करना शुरू कर दें और उसकी सही पे जो भी उसने अहकाम दिए उन पर चलना शुरू कर दें, तो अब यकीन कीजिए कि ये ज़िंदगी की जो मिठास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों में मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हम हमेशा बात तो कर लेते हैं, फिर भी बात आ जाती है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। हमने इस मकसद के लिए हर एक ने अपने गले के अंदर घंटी बांधनी होगी, हर शख्स मेरे समेत अपने आप का एहतसाब खुद करना होगा। हमें अपने आप को देखना होगा कि हम क्या कर चुके हैं, क्या कर रहे हैं और आगे हमारा क्या प्लान है। मैं अक्सर कहता होता हूं कि मेरे लोगों, मेरे पाकिस्तान के लोगों, ये छोटी सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। हम सामान तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, लालच दुनिया का बहुत ज्यादा कर लेते हैं, लेकिन हकीकत इसकी कोई औकात नहीं है। आप खुद सोचिए, वो बड़े किस्मत वाले होते हैं कि जिनको कब्र भी नसीब हो जाती है। जब हम मर जाते हैं, क्या हम दूसरों के रहमो करम पे हैं कि अगर तो हमें कोई दफना दे, नहीं तो अगर कहीं जंगल में मर गए हैं या कहीं वहां मर गए हैं, डेथ हो गई है, तो फिर आप खुद सोचिए कि क्या हाल होगा। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हकीकत बात यह कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा दिली जान से प्यार करता हूं। बस मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि ये जो अभी हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, ये वेल मोटिवेटेड हो, वेल मैनर्ड हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल फैसिलिटेटेड हो, ताकि इन लोगों की जिंदगियों में किसी किस्म का खतरा ना आए, इनकी जिंदगियों में कभी किसी किस्म की कोई मुश्किल ना आए। मेरी सिर्फ ये मोहब्बत होती है कि अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, तो ये जो जिंदगी की छोटी जो जिंदगी है, छोटी सी, इसका सफर बड़ा आसान हो जाता है। अगर मेरे पास 4 पैसे ज्यादा हैं, अगर मैं किसी को तालीम दिलवा सकता हूं तो दिलवानी चाहिए। मैं किसी की
अदरवाइज हेल्प कर सकता हूँ, किसी की बेटी की शादी है या किसी के घर में खाना नहीं है या किसी के घर के अंदर खुदा ना खास्ता कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है और अगर मेरे पास चार पैसे हैं तो मैं उसकी हेल्प कर दूं, तो वो जो खुदा की ज़ात है वो खुश होगी। मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से, अपने प्यार करने वालों से एक और इल्तिजा करूंगा, पहले भी मैं बात करता हूं, आज भी करूंगा, कि खुदा के लिए, उस प्यार, उस रब के लिए, उस कुदरत के लिए, उस निज़ाम के लिए जिसने हमें पैदा किया है, आपको पैदा किया, पूरी कायनात जिसने बनाई है, उससे डरिए मत, प्लीज़ उससे मत डरिए, उसे मोहब्बत कीजिए, वो इसलिए मोहब्बत कीजिए कि उसने आपको पैदा किया, उसने मुझे पैदा किया, हमारी एक एक चीज़ उसने पैदा की, तो हम उससे प्यार करेंगे, हम उससे डरेंगे नहीं। उस जो भी करना है उसकी खुशनूदगी के लिए कीजिए, उसकी थैंकफुल, उसको थैंक्स पे करने के लिए कीजिए। ये जो लोग अक्सर हमें कहते हैं कि जन्नत का लालच और जहन्नम का डराओ, ओपनली मैं कहता हूं कि ए खुदाया, ना मुझे जन्नत चाहिए ना मुझे दोजख, मुझे चाहिए तो सिर्फ तेरी खुशनूदगी चाहिए, मुझे चाहिए तो तुम्हारी खुशी चाहिए। खुदाया, तूने मुझे जब पैदा किया, जब मुझे नहीं पैदा किया था, मुझे नहीं पता था मैं पैदा होऊंगा, ये तू ही है जिसने मुझे पैदा किया, ये तू ही है जिसने मुझे सूंघने की ताकत की, बोलने की ताकत दी, सोचने की ताकत दी, मेरा एक एक अंग बनाया, मेरी अपनी औकात कुछ भी नहीं है अल्लाह मियां। तो इस वजह से मैं कहता हूं कि देखिए, जब आप उस रब की जात से प्यार करेंगे, उस अल्लाह से जब प्यार करेंगे, तो फिर ये जो खुदा की बनाई हुई मखलूकात हैं, कोई भी है, इंसान है, जिंद है, परिंद है, कुछ भी है, इनसे भी मोहब्बत कीजिए। पौधे हैं यहाँ, खुशबू देते हैं आपको, कुछ पौधे जो फल देते हैं आपको, कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपके लिए मेडिसिन का काम करते हैं। दुनिया, अल्लाह ताला ने कोई भी इस जहां में हर चीज जो पैदा की है वो एक बहुत बड़ी एक नेमत है, और उसका हकीकत बात यह कि कहीं ना कहीं से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंसान के साथ ताल्लुक है। जो चीज भी पैदा की तो अल्लाह ने इंसान के लिए पैदा की है, और हम इस दुनिया के अंदर हकीकत बात यह है कि हम अपने आप को बादशाह समझ लेते हैं। आका या बादशाह वो एक ही है, वो एक ही है, वो रब जिसने हम सबको पैदा किया, वो एक ही है रब जिसने हर चीज, पूरी कायनात को कुल कह के सब कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला का बस हुक्म आया कि हो जा, तो हर चीज वो क्रिएट हो गई। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम क्या हम कुछ चीज़ बना सकते हैं? हम वही चीज़ बना सकते हैं जो खुदा ताला ने हमें दी है, जो अल्लाह ताला ने दी है, हम उसकी मॉडिफाई करके, उसको चेंज करके लेते हैं, लेकिन रियलिटी उसकी वही रहती है जो खुदा ताला ने बनाई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उनकी जब सीरत पढ़ता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताबें लिखी हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे उलमाए कराम ने लिखी हैं, या हर जो पढ़े लिखे लोग हैं दुनिया जहान के, इवन उन लोगों के मज़हब भी नहीं है, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी और उनकी सीरत बयान की कि वो एक ऐसी हस्ती थे कि उन्होंने अपने पेट का कभी भी नहीं सोचा था। तिजारत करते थे तो जो माल मिलता था उसमें से सबसे पहले गरीबों को बांटते थे, हेल्प करते थे, शाम को अक्सर घर आते थे तो खाने को कुछ नहीं होता था, बकरी का दूध पीना, खजूर खा ली, ना मिली तो मिल गई, ना मिली तो ना सही, सब्र कर लिया। वो इंसानों ने इतनी सब्र से जिंदगी काटी, हालांकि वो एक वो रसूल थे कि जो चाहते दुनिया उनको देने के लिए तैयार थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अगर किसी सी चीज ली तो वो उन्होंने इस्लाम के फैलाव के लिए या गरीबों की हेल्प के लिए, ये पूरा निज़ाम जो खुदा ताला ने बनाया, उसके बाद उसी निज़ाम के तहत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेंड भी किया, उनको एजुकेट किया। हम तो स्कूलों में जाते हैं ना, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में या मदरसों में, तो
तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों के जरिए मोहम्मद सल्लम को एजुकेट किया। लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो एजुकेटेड नहीं थे, आप किताबें निकाल के देखिए, आपको अंदाजा होगा कि ही वॉज सो वेल एजुकेटेड कि जिसकी इंतहा नहीं। आप खुद सोचिए ना कि वो तकरीबन 20 से 25 साल की उम्र थी जब वो गारे हरा या गारे सौर इन जगहों पे जाते थे और कई कई दिन कई कई रातें अल्लाह ताला की इबादत में गुजारते थे। 40 साल में जाके उनको पहली वही नाजल हुई थी, पहली वही। आप खुद अंदाजा लगा लें कि पहले क्या था, वो इबादत करते रहे। तो खुदा ताला ने उनको अपने फरिश्तों के थ्रू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एजुकेट किया था और उनकी एजुकेशन जो थी वो बहुत हाई थी। और इसी वजह से जब उनके कजन हजरत अली करमुल्लाह वजहो वो उनके साथ होते थे और अक्सर मोहम्मद सल्लम डिक्टेट करवाते थे जो चीज़ें अल्लाह ताला से मोहम्मद सल्लम के पास आई होती थी, तो हज़रत अली उनको लिखते थे। और हज़रत अली भी मोहम्मद सल्लम के साथ रहते हुए आप यकीन कीजिए कि उनकी भी एजुकेशन इतनी ज़्यादा थी कि इंसान सोच नहीं सकता। इवन हिस्ट्री ये कहती है कि दूसरे खुलफा भी हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, तमाम हज़रत अली से मशवरा किया करते थे। और इवन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया था कि ऐ लोगों, जब कभी मुश्किल में हो, मेरे बाद अगर कभी किस मुश्किल आए और अगर आपको किसी मशवरे की ज़रूरत हो तो अली से राबता करना, अली आपको बताएगा। फिर इसी वजह से करके मोहम्मद सल्लम ने यह भी कहा था कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। कहने का मतलब यह है कि जब तक दरवाजे से गुजरेंगे तो शहर में आएंगे। तो हज़रत अली ने बहुत सारी चीज़ें मिसालें छोड़ी। रसूल अकरम के बाद अगर किसी ने इस तरह की चीज़ें छोड़ी हैं, वो जो यानी कौल जिसको कहते हैं, तो वो हज़रत अली हैं। जैसे अभी मैं छोटी सी चीज़ आपको शेयर करना चाहूँगा कि हज़रत अली का कौल है कि किसी का ज़र्फ़ देखना हो ना, किसी भी शख्स का, आपको होता है ना कि दोस्त यार सारा कुछ, तो कहते किसी का ज़र्फ़ देखना हो ना तो उसको इज्जत दो। मैंने ये अपनी ज़िंदगी में ये करके देखा है कि गांव में कहीं में ऐसे ऐसे लोगों को जो बहुत ज़्यादा यानी कि रिजेक्टेड डिजेक्टेड लोग थे, तो उन लोगों को मैंने अक्सर ये देखा कि मैंने उनको इज्जत दी और उनका ज़र्फ़ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने मुझे कोई धोखा दिया हो। और इस अंदाज में मैं ये भी सोचता होता हूँ कि जब आप किसी को धोखा नहीं देते तो आपके साथ भी धोखा नहीं होता। क्यों? आपको वो खुदा, क्योंकि आप प्यार करते हो ना उस रब से, तो अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करता है। तो इसी तरह अगर किसी की फितरत को देखना हो, ये हज़रत अली का कौल है कि किसी की फितर को देखना हो तो उसे आज़ादी दो। आज़ादी का मतलब यह है कि उसको खुला हाथ दे दो, ठीक है भाई करो जो करना है करो। अगर आपके पास कोई नौकर है उसको इतनी यानी कि आज़ादी दे दो कि वो जो आप करते हैं उससे बढ़ के करे, तो फिर उसकी फितरत देखो कि उसकी फितरत के अंदर क्या है, क्या उसके अंदर लालच तो नहीं भरा हुआ। ये जो चीज़ें हैं ये हमें बहुत सिखलाती हैं, याद रखिएगा। तीसरी है कि किसी की नीयत देखनी हो, ये भी मेरा एक टेस्टेड है। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि अगर आपने किसी की नीयत देखनी हो ना तो उसको कर्ज दे दो। हाँ, इस चीज़ के अंदर मेरा कुछ इस किस्म का नेगेटिव एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ है। नेगेटिव एक्सपीरियंस का मतलब कि मुझे एजुकेशन मिली, पॉजिटिव अंदाज में मिली, लेकिन क्या था कि किसी ने मुझसे कर्ज लिया और उसके वो हीले बहाने बनाता रहा। नीयत चेंज कर ली कि मैं मुझे पैसा देना ना पड़े। उस शख्स के पास यहाँ तक गाड़ियाँ, घर, हर चीज़ आ गई, लेकिन उसने पैसा आज तक वापस नहीं किया। यह है उसकी नीयत। मेरी नीयत क्या है? मैंने कभी भी किसी को अगर कुछ दिया है तो ये सोच के दिया कि मैंने वापस नहीं लेना, क्योंकि हो सकता है ये खुदा ताला ने जो मुझे दिया है ये उसका हिस्सा था जो उसके पास चला गया।
अगर मेरा होता तो मेरे पास ठहर था। मैं तो ये सोचता हूं ना कि अगर वो मेरा होता तो मेरे पास ठहर था, लेकिन वो मेरे थ्रू खुदा ताला ने उसको दलाना था, दला दिया, वापस नहीं मिला। लेकिन अल्लाह ताला ने हमेशा मेरे रिस्क के अंदर हमेशा बरकत दी है। आज तक मुझे यकीन कीजिए कभी घाटा नहीं पड़ा, कभी भी इस चीज की सोच नहीं आई कि मेरे पास महल हो, मेरे पास ये भी हो, मेरे पास वो भी हो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, जिस हाल में भी कहता हूं कि ऐ मेरे प्यारे रब तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब जो कुछ भी है इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम तेरी मानते हैं, तेरी तरफ ही हमने लौट के आना है, तूने ही हमें इधर भेजा है, तूने ही आगे भेजना है, और हमें नहीं पता कि आगे क्या है, यही तू ही जानता है। गायब का इल्म तेरे पास है, हमारे पास नहीं है। तो अगर अभी हजरत अली के मैं कॉल सुना रहा था आपको, तो उसको क्या कहते हैं कि अगर किसी की खसलत देखनी हो, अगर किसी की खसलत देखनी हो तो उसके साथ बैठ के खाना खाओ। ये भी बड़ी चीज है, यह हकीकत है। आप देखें अगर टेबल लगी हुई है या दस्तरखान लगा हुआ है तो आप बैठ के खाना शुरू कर दें सबके साथ। जब आप खाना खाएंगे आप उस शख्स जिसके साथ जिसकी आप खसरत देखना चाहते हैं उसको देखो वो खाना कैसे खाता है। कई लोग होते हैं ना आदत होती है ये भी ले लो वो भी ले लो बगैर किसी सोचे समझे। आप शादियों में जाते हैं जब खाना खुलता है तो हम हकीकत टूट पड़ते हैं कि जैसे ये आखिरी खाना है इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलना। अटैक प्लेटें भरी जा रहे हैं भरे जा रहे हैं, वो पेट में जाए या ना जाए लास्ट पे क्या होता है हम उस अनाज को जाया कर रहे होते हैं। और इसके साथ आप देखिए कि उसका खसलत है ना कि वो क्या है, उसकी लालच उसके अंदर कितना है। अगर खाना टेबल पड़ा है थोड़ा सा डाल लें, बातें भी करें साथ, खाना भी खाएं, फिर खाली हो गया और ले लें। लेकिन अगर हम पहले ही उसको एक पहाड़ी बना लेंगे बगैर दूसरों को हिस्सा दिए बगैर, तो फिर डेफिनेटली हमारी खसलत जो है वहां पर टेस्ट होगी, हम पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। और अगर हजरत अली का ये भी बड़ा मजेदार कॉल है, सुनिए जरा। किसी का सब्र देखना हो, अगर किसी का सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करो। अक्सर लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। मैं मेरे बच्चे भी है ना, मैं उनको अक्सर कहता हूं कि मेरे बच्चों ये मत सोचना कि आपका बाप बहुत नेक है, मत सोचना कि आपका बाप मास्टर है। मैं अपने लोगों से भी, अपने इवन आर्मी में था तो मैं अपने सिपाहियों से भी ये कहता था कि बच्चा याद रखो तुम लोगों को भी हक है पूरा मुझे मशवरा भी देने का, तुम लोगों को हक है मुझे तनकीद करने का भी, क्यों मैं गलत भी हो सकता हूं। अगर हम सोचें, प्यार से सोचें, दूर की सोचें, जो आपको तनकीद करता है वो आपका दोस्त है, ये याद रखिएगा। क्यों वो नहीं चाहता कि आपसे गलती हो और आप कहीं प्रॉब्लम में आए। तो इस वजह से जो तनकीद है उसके दो पहलू हैं। कुछ लोग तनकीद भर तनकीद इस वजह से भी करते हैं कि आपको डिग्रेड करने के लिए, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूं टेस्ट करना हो किसी को, आपने किसी का सब्र देखना हो तो आप उसको तनकीद करके देखो। जब तनकीद करोगे क्या इंसान गुस्से में आता है या इंसान प्यार में रहता है, ये एक पहलू है, एक फैक्टर है। तो उस चीज के अंदर हमें इस चीज को देखना हो तो ये करके देखिए। ये भी मैंने बहुत चीजें आजमाई हुई हैं और हजरत अली के मैंने बहुत सारे कॉल जो है ना वो मैंने अपने पास महफूज रखे हुए हैं, कभी कुछ कंप्यूटर में रखे हुए हैं, कुछ किताबों में लिखे रखे हैं, जैसे भी मैंने ये पेपर पे लिखे रखा हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये मैं लिख के रखता हूँ, समटाइम भूल भी जाता हूँ, लेकिन यह है कि फिर मैं उसको कंसल्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यह है छठा है, और अगर किसी का खुलूस देखना हो, अगर किसी का खुलूस देखना हो तो उससे मशवरा करो। ये भी बड़ी मजेदार बात है, उसकी वजह क्या कि वाकई अगर आप किसी का खुलूस देखना चाहते हैं तो आप उसको मशवरा करिए, भाई मेरे पास पैसे हैं मैं उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या मैं भाई मेरे सैर व तफरी के लिए जाना चाहता हूँ, या भाई मेरे मैं इतनी एजुकेशन हासिल करना चाहता हूँ, आप उससे मशवरा करो। आप फिर देखिए कि आपका जो उसका खलूस है वो आपको क्या मशवरा देता है, आपकी वो सोच, क्योंकि आपका करीबी है ना, आपका दिमाग, आपका इंटरेस्ट, आपका हर चीज पहलू वो
उसको पता होना चाहिए कि मेरा दोस्त मेरा भाई किस किस्म का है, और फिर उसी हिसाब से आपको मशवरा भी देगा। तो मैं आज जो छः मैंने हज़रत अली करमुल्ला के हमने मैंने कौल आपको सुनाए हैं और साथ कुछ अपनी बातें की हैं, तो मैं अभी यही फैसला किया है कि मैं डेली दो तीन व्लॉग जो बनाऊंगा वो इसी चीज़ पे बनाऊंगा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कौल हैं, हज़रत अली के जो कौल हैं, हमारे नेक बुज़ुर्गों के जो कौल हैं, हम उसके ऊपर बात किया करें और उसके ऊपर एक दूसरे से मशवरा भी लिया करें। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट हम्बर रिक्वेस्ट भी करूँगा कि काइंडली आप भी मुझे कोई मशवरा दिया करें कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर सकते हैं, हम अपनी कौम को मेरे समेत हम अपने आप को कैसे एजुकेट कर सकते हैं, हम अपने आप में एक दूसरे से कैसे प्यार मोहब्बत अखुवत भाईचारा पैदा कर सकते हैं। मैंने पिछले दिनों काफ़ी मैंने जज्बात में आके अपनी वीलॉग्स बनाए थे, ऊंची आवाज़ में बात की, जो मुझे बाद में अच्छा भी नहीं लगा, लेकिन कुछ उस वजह से कि पाकिस्तान के दर्द, लोगों के साथ बदसलूकियाँ और यानी कि इस तरह की चीज़ें हो रही थी कि जो अनएक्सेप्टेबल थी। मेरी तबीयत इस किस्म की है कि मैं कहता हूँ कि यार जो मेरे पास है ना वही दूसरे के पास हो। मेरे पास आर्मी में मेरा एक बैटमैन था, 7 क्लास था, मैंने उसको एजुकेट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कहीं से कहीं पहुंच गया, मुझे बड़ा फख्र होता है उसको देख के। और लोग अक्सर कहते थे कि यार तुम उसको अपनी गाड़ी भी दे देते हो, उसको अपने कपड़े भी दे देते हो। मैंने कहा मेरे कपड़े क्या, या मेरे वो अगर मेरी खिदमत करता है, वो मेरा छोटा भाई है, मैंने कभी भी किसी को नौकर नहीं समझा। घर में हम खाना बनाते थे ना तो इकट्ठे मिल के खाते थे, वो मेरे बच्चों से इसी तरह प्यार करता था जैसे मैं करता हूँ। आज भी वो मेरे बच्चों से टेलीफोन करता तो मुझे पूछता होता है कि सर कैसे हैं कैसे नहीं है। तो बहरहाल मैं कहने का मतलब यार कि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरी तनकीद कभी भी किसी को टीज करना नहीं होता। मेरी तनकीद बाय गॉड ये होती है कि यार हम बेहतर से बेहतर करें। आप भी मुझे तनकीद कर सकते हैं, तनकीद क्या है यार, लेकिन एक यही है ना कि आपको जो मेरा नेगेटिव पहलू है या कुछ गलत काम कर लो उसको आप अजागर करें। आप मुझसे प्यार करते हो, बताओ मुझे। तो ये जो चीज़ें हैं मैंने तहिया कर लिया कि अब मैंने किसी को भी इस लिहाज से तनकीद नहीं करनी, लेकिन मैं उसके लिए दुआ ज़रूर करूँगा कि कोई भी मुझे अगर नज़र आता है किस किस्म का, जिसके ऊपर पिछले दिनों मैंने अगर किसी पे तनकीद की, उनको गुस्सा आया, उन्होंने एजेंसीज को इस्तेमाल किया और प्रेशर डालने की कोशिश की, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि रिएक्शन नेगेटिव आया, वेयर एज उनको खुद अंदाज़ा होना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। लेकिन बहरहाल मैंने वो तनकीद ख़त्म कर दी हुई है, अब वो सियासत से बात भी नहीं होगी, अब सिर्फ बात होगी मेरे पाकिस्तान के प्यारे तमाम लोगों पे, तमाम, वो चाहे मुझे दुश्मन वो समझते हैं चाहे दोस्त समझते हैं, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं। मैं तमाम पाकिस्तानियों को बताने लगा हूं, याद रखना मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूं। आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी भी ग्रुप से हो, आप किसी भी मजहब से हो, आप किसी भी जात से हो, मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं आप मेरे लिए एक इंसान है उस खुदा के बनाए हुए, आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, आप मेरे भाई हो, मैं ओपनली कह रहा हूं आप इंसान हो, और यही मेरे अल्लाह का हुक्म है कि इंसानों से प्यार करो, यही मेरे नबी का हुक्म है, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे। रहमतुल आलमीन का मतलब तमाम मजहब के लिए थे, वो एक रहमत बन के आए थे, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए थे, दूसरे उससे पहले जितने नबी आते रहे वो मुख्तलिफ ट्राइब्स के लिए आते रहे, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ सिर्फ मोहब्बत और अखुव्वत और भाईचारा चाहता हूँ। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से, चाहे वो पाकिस्तान में हैं चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो मेरी उन तमाम से हम्बर रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीलॉग हैं इनको शेयर किया करें, ताकि लोग मेरी बात सुने और मोहब्बत का पैगाम जा सके। आप भी मुझे मोहब्बत का पैगाम दे सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, अगर कोई चाहे
तो मेरे साथ इस वीलॉग में शेयर भी कर सकता, क्योंकि इसमें प्रिविलेज है यूट्यूब पे कि आप दो को शामिल कर सकते हो। तो आप बेशक मुझे आप मैसेज भेजिए और मैं उसका कोऑर्डिनेट करके हम मिलके यूट्यूब चला सकते हैं। तो ताकि एक मकसद तो नेक है ना, एक मोहब्बत पैदा करनी है एक दूसरे के साथ। तो बहरहाल मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मैं हमेशा आपसे प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। कब्र में मैं कहता हूँ आखिरी सांस तक मैं आपसे प्यार करता रहूँ। मेरा आखिरी कतरा भी इस पाकिस्तान, पाक फौज और तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए आज भी हाजिर है। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान को तरक्की पे, बुलंदियों पे जाना देखना चाहता हूँ। मैं अपने आर्मी के तमाम लोगों को बहुत बहुत प्यार करता हूँ। लोग कुछ तनकीद करते हैं इस अंदाज की कि वो डिग्रेड करना, ये नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं पैसे से लड़ते हैं, पैसे के लिए नहीं लड़ते। बहरहाल इस चीज़ के ऊपर मैं अलग वीलॉग बनाऊंगा। आज का वीलॉग तो सिर्फ मेरा यही था, मोहब्बत प्यार अख़ुवत और हज़रत अली के कौल। तो इंशाल्लाह ताला कल मैं फिर दोबारा आपसे, कल क्या आज ही, सॉरी आप, तो मैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह ताला मिलूंगा और इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर प्यार की हम बातें करेंगे। और आप ज़रूर मेरे इस वीलॉग को काइंडली ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल बी ग्रेटफुल रियली। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पैदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।